जी सारे दोस्त मित्रां नूं साडे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। ते अज आपां पहुंचे हां जी मुक्तसर मेला माघी ते। ते इत्थे आपां जो तुहानूं ट्रैक्टरां ते कंबाइनां दे जिहड़े नवें मॉडल आए आ ते उहनां बारे आपां जो जानकारी लैंदे आ। ते सब तों पहलां वीर जी नाल मिलदे आ, करतार कंबाइन 4000 जो मॉडल नवां आया उहदे बारे जानकारी लैंदे आ आपां। हां जी सति श्री अकाल वीर जी, होर की हाल चाल है जी? की नाम जी अपना? पिंड केड़ा जी? ठीक है जी। तो बई जी जिहड़ा अपना करतार कंबाइन का नवा मॉडल आया, ठीक है, तो ये बारे सानू जानकारी दिओ जी। अपना करतार 4000 एसवी करके नवा मॉडल आया, ठीक है जी। पहले कई चीज़ा चेंज कर, अच्छा जी, सब नो बड़ी तब्दीली आप सिंगल बॉडी के पांच गियर लाने, ठीक है। आम कंबाइन वाले का गियर बचालो खुलता है, अपना उपर, ठीक है जी। मान लो कल कोई काम करना, गेयर नीचे उतारन की लोड़ नहीं है कि सारा काम जिन्ना चिर मशीन रखनी है उपरे रहो, उपरे रहो। फिर उस तो बाद आप जिम्मे ट्रैक्टर द्रेकों होंगे तेल वाली, ये भी तेल वाली ब्रेक लाइ, ठीक है। फिर 4x4 साफ्ट गेयर चो कढ़ी हुई है, कल जो तुम 2 wheel लें अपने तो, हाँ जी, तो घर 4 wheel करनी है तो तुम्हें गेयर छेड़न की लड़ नहीं है, गेयर चो साफ्ट निकली जी। टायर लाए हैं बी जी, 4 wheel के टायर है, अच्छा जी, तो पिछले लगने हैं वैसे लोड कर, ठीक है। जो फीटर के देखो अपने 4 चैना पाई, आम मशीन 3 चैना 2 फुटी हो, हाँ जी, देख सकते हो बी जी, ये 4 चैना पाई हुई हैं, अच्छा जी। इहदा फायदा यह है भी एक तो फट्टी छूटी होगी टुटदी घट है जी, ठीक है जी। दूजा यहाँ फायदा यह है भी ये गुच्छा बन के माल अंदर नहीं जाता है, माल में तोड़ के अंदर देगा तो थ्रैशर नहीं चोक होता, ठीक है। हाँ जिस तरह चोक हो जाएगा मशीन चुने वे ज़्यादातर वो यदा फायदा जी, ठीक है जी। ये कटर कटर किन्ने फुट का जी? कटर यदा जी 14 फुट का ही है, पर आपने पहला थोड़ा जहा कटर बढ़ा के, ठीक है जी। उस तो बिना कटर के जो रूला होंगे आम मशीन 16 इंची होगा, आप भी बड़ा करता 18 इंची, ठीक है जी। नवा मॉडल है, अच्छा जी। एक बी जो अपना तेल वाली टैंकी दे विच जिहड़ा अपना यूरिया हुण आउंदी है ते उहदा की फायदा जी इहदे मशीन दे? गवर्नमेंट वल्लों ये माया भी BS3 इंजन बंद हो गया, हाँ जी। उस तो बाद जिहड़ा BS4 इंजन ये हुण मन के चलो यूरिया वाली टैंकी इहदे नाल लगी हुई, ठीक है। यूरिया का काम यह है भी मान लो जिहड़ा इंजन धूआं कढ़दा यूरिया उहनूं खत्म करके ही बाहर कढ़दा, ठीक है। मान लो पोल्यूशन फ्री मशीन, ठीक है, प्रदूषण फ्री हो जाती, ठीक है भाई। ये पावर भी पहले ना बड़ी होगी, पहले 101 हॉर्स पावर चाहता सी, अच्छा, हुण 133 चाहिए, हुण 133 चाहिए बड़ा हो, अच्छा जी। आउगा ये भी शौक ले लेण दे, अच्छा जी। चलो उसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है जी। इधर और भाई जिवें अपने अपनी कंबाइन दे रिमां दा भी फर्क है, अच्छा जी। स्टील स्ट्रिप कंपनी दे रिम पाउने आ, ठीक है। सारी किते जंगाल लगण नूं जगह नहीं है, सारा बंद आ, ठीक है, सारा बंद है। प्रॉपर किनारी विच फिटा मशीन दी कीमत है बारे खड़ी है, हां जी, पर प्रॉपर विच टायर दे फिट है, और भी उखा दई दन। हां मशीन दे देखो 5 फर लाउने जो हुंदे पक्के, हां जी, अपने 6 फर, ठीक है, इतने 6 फर करते हो? सारा मशीन लॉक वाला नट लगे मिलूगा जी, अच्छा जी। एलीवेटर बर्म बाडी पहला तो स्टील दी, आपां नूं हो गए 13-14 साल स्टील दी लगी, ठीक है जी। कसण वाली जगह सारी स्टील है, अच्छा जी। आ सिस्टम आ यूरिया वाला आ गया जी? हां ये सिस्टम है गया जी, उहदा इंजन दा ही आ, ठीक है। ड्रायर लगे आ, वख-वख सिस्टम वी लगे हुए, ठीक है जी। पिछला हिस्सा फ्री कर ली, घोड़ी लाती आपां ने जिवें सीजन तो बाद कंबाइन खड़ी करनी है, हाँ जी, या 4 wheel करनी है तो तुहानू इहदे घोड़ी ते खड़ी कर, वी आपां नूं जक्कां दी लोड़ नहीं गी, इस तों बाद इक वारी लाउणा पैणा, हाँ, पर फिर उस तों बाद इहते खड़ी कर, ठीक है। तेरा रिमां दा फर्क आ, देख, हाँ जी, देख सकदे इह वी जिवें वड्डा रिम आ उदां ही सारा बंद है, उसे तरह ही बंद आ, मतलब पानी लै के जंगाल नहीं, ठीक है जी। ये 4x4 करके जी चूल्हा लगे 4 wheel वाला, अच्छा, हिस्सा अगे पिछे रहूगा जी, एक टायर अगे एक पिछे, अच्छा, पहला तो ही ला रहे काफी सारे, ठीक है। जिवें वट तो टप, हाँ टपदी है जी, बुड़कदी है, ठीक है। अगे दोनों टायर कट्ठे टपते थे तो उदो दिक्कत आती थी, बुड़कदी सी,
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕੇ ਟੈਂਕ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਨਟ ਭੱਠੀ ਪੇਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ। ਇਹਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 28,70,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।